पैसिव इनकम का एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास 8-10 प्रॉपर्टीज हैं और आपने उसको रेंट आउट कर दिया है, तो वहां से जो रेंट आ रहा है वो क्या है आपका, वो पैसिव इनकम। अब वो उसके लिए आपको इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ रहा, आप वहां पे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं हो, जिससे आपको ये लगे कि हाँ मेरे पास इनकम आएगी या नहीं आएगी। अब अगर आपके पास 8-10 करोड़ रुपए हैं बैंक में पड़े हैं और वहां से जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपकी पैसिव इनकम है। अब अगर इतना सारा पैसा होता तो हम ऑलरेडी अपने आप को पैसिव इनकम में समझते हैं। अगर ये नहीं है तो हमें इसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्ड कैसे करेंगे, आज उसको भी हम देखेंगे। तो आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक बने रहिए, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ आज मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। हर एक इंसान के अपने सपने होते हैं। सपने क्या होते हैं कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स होने चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये सारे हर किसी इंसान के सपने होते हैं। अमीर हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, सब एक जैसे ही सपने देखते हैं। अब इन सपनों को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं, वर्क करते हैं। और सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है वो आती है जॉब। जॉब को हम यहाँ पे अगर रिवर्स करके पढ़े तो इसे हम बोलते हैं बोझ। बोझ का मतलब है स्ट्रेस। जितने भी लोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग आज जॉब में है, जो सर्विसेज में है, उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रोडक्टिविटी देने का सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे अपने काम में तो उनको उस काम से हाथ धोना पड़ सकता है, उनको उस जॉब को, जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस आप अपने ऊपर नहीं लेते हो, आप अपने जानने पहचानने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी स्ट्रेस में रखते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। अगर आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि चल 3-4 दिन के लिए हम घूमने चलते हैं, तो आप बोलते हो कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरा एम्प्लॉयर मुझे छुट्टी नहीं देगा, तो मैं इसलिए घूमने जा नहीं सकता। और अगर आपकी फैमिली बोलती है कि हम आपके साथ जरा आउटिंग के लिए चलते हैं, जब बाहर घूमने चलते हैं 1 वीक के लिए, तो आप बोलेंगे कि अभी मेरे बाहर से बाहर जाए हुए हैं, फॉरेन के बाहर जाए हैं, या कुछ भी ऐसी चीज बताएंगे जिससे आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए। तो इससे आपने अपनी फैमिली को भी स्ट्रेस में डाल दिया। अब जब इतना, जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद फिर आप उसको ठुकरा देते हो कि अब मैं जॉब से तौबा कर लेते हो कि जॉब आप नहीं करनी, और फिर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो बिजनेस की। अब बिजनेस दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ये कुछ ना कुछ मेरी अपनी स्टोरी भी है जो मैं पीपीटी के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं भी इसी तरीके से था, मेरी फैमिली सर्विस क्लास थी और सर्विस की हार्डशिप्स मुझे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। जिस दिन कभी मौका मिलेगा मैं आपको अपनी स्टोरी भी पूरी शेयर करके बताऊंगा। और अभी जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे करते हैं। ये जो आप शॉप का फोटो देख रहे हैं, ये मैंने भी बिजनेस किया है, और बिजनेस रेडीमेड गार्मेंट का किया है। ये उसी शॉप का फोटो है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस इतना आसान नहीं होता जो दिखता है, लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। और जब तक आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे, तब तक आप बिजनेस में अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। बिजनेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टाइम। आपको टाइम 100% देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे तो आप बिजनेस को फुलफिल नहीं कर पाओगे। बिजनेस की पहली कंडीशन ही टाइम है। और जब मैं बिजनेस में था तो मेरे पास टाइम नहीं बचता था। घर में कोई सुख दुख या कोई फंक्शन होता था तो मैं शॉप छोड़ के जा नहीं पाता था। ये हार्डकोर फैक्ट है, आप मानो या ना मानो। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इंडस्ट्री में ओवर टाइम करना पड़ता है प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए। वहां पे रहना पड़ता है, वहां पे सोना पड़ता है, और जो ट्रेडिंग में है उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, हफ्ता हफ्ता महीना महीना बाहर टूरिंग करनी पड़ती है। ये क्या है, ये सारा टाइम ही तो है जो हमें टाइम बिजनेस में देना पड़ता है। तो बिजनेस की सबसे पहली रिक्वायरमेंट टाइम है। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस बिजनेस में
अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ नॉलेज होना बिजनेस की बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस में आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप समझ सकते हैं कि आप उस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बिजनेस की नॉलेज नहीं है उसमें रिस्क 100% बना रहेगा, 100%, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका 100% रिस्क पे है। आज का जो टाइम आप देख रहे हैं तो उससे आपको समझ जाना चाहिए। उसके बाद परमिसेस, बिना स्पेस के कभी भी बिजनेस आपका रन नहीं हो सकता। अगर आप वेयर हाउस कुछ भी स्टोरेज का खोलना चाहते हो तो आपको वेयर हाउस चाहिए, अगर आप रिटेल काउंटर खोलना चाहते हो तो आपको शॉप चाहिए, अगर आप फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको फैक्ट्री का सेटअप चाहिए। तो ये परमिसेस आपको चाहिए ही चाहिए अगर बिजनेस को आपको बिल्ड करना है। और उसके बाद लाइबिलिटीज हमेशा आपके सिर पे बनी रहेंगी। लाइबिलिटीज क्या बनी रहेंगी कि जितने लोगों को आपने एम्प्लॉय हायर किया है उन सबकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, वो काम प्रोडक्टिविटी हो या ना हो सैलरी आपको देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। ये लाइबिलिटीज हमेशा आपके सिर पे बनी रहती है और आप इससे बच भी नहीं सकते। तो उन सब चीजों की वजह से आदमी सोच में पड़ जाता है कि बिजनेस करूं तो कैसे करूं। तो फिर वो सोचता है कि जो मेरे ड्रीम्स हैं इन ड्रीम्स को मैं अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकता हूं, किस तरीके से मैं इन ड्रीम्स को फुलफिल करूं। तो वो फिर नई नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू करता है, वो अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज शुरू करता है, वो पार्ट टाइम जॉब की कोशिश करता है, वो पार्ट टाइम बिजनेस की कोशिश करता है, ओवर टाइम लगाने की कोशिश करता है जिससे उसकी अर्निंग बढ़े। तो वो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है। लेकिन आज वी आर प्रोवाइडिंग यू ए सोल्यूशन, आज हम आपको सोल्यूशन देने जा रहे हैं, वी हैव ए सोल्यूशन फॉर यू। हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप बहुत अच्छा आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो, अपने सपनों को साकार कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आप सब लोगों के लिए है, वी हैव ए बॉट एन ऑप्शन फॉर यू। वो ऑप्शन क्या है, टाइम्स बिजनेस ए ग्लोबल बिजनेस। एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों लोगों के सपनों को साकार किया है, लाखों लोगों के सपनों को साकार किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इस बिजनेस में 17 साल हो चुके हैं, 17 साल में मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन वो सब ड्रीम्स भी मैंने फुलफिल किए हैं जो कभी मैंने सोचे भी नहीं थे। कभी मैं फॉरेन ट्रिप नहीं लिया था, टाइम्स में आने के बाद मैं 50 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं। लग्जरी कार का सपना सबका होता है, 2006 में लग्जरी कार का अवार्ड भी मैं इस बिजनेस से ले चुका हूं। अब मैं अकेला मैं नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं इस बिजनेस में। तो ये एक नागर जी का कहना है कि आवाज टूट रही है, नागर जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने इंटरनेट का थोड़ा सा चेक करिए, क्योंकि इंटरनेट अगर आपके वहां पे स्लो होगा तो आवाज टूट कर ही आएगी। तो हम लोग कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर बाकी सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है एक बार यस और नो बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा जी, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, क्योंकि ये बीच बीच में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अगर डिलीवर कर रहा हूं और आप तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है तो उसका भी फिर बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाखों जिंदगियों को जिनके सपनों को इस बिजनेस ने साकार किया है। और इस बिजनेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बिजनेस हमारा, आप प्लेटफॉर्म देख ही रहे हैं कि ये तियानजिन में हमारा हेडक्वार्टर है और ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक्सपेंडेड है। इसके अलावा 3.2 स्क्वायर किलोमीटर में हमारी यूनिवर्सिटी भी है, और टोटल अगर हम सारा एरिया क्लब करके देखें इस कंपनी का तो वो 1037 एकड़ का बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये। और ये 1995 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और 190 कंट्रीज में आज हम ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं। 110 देशों में हमारे ब्रांचेस हैं, तकरीबन 4 करोड़ फैमिलीज वर्ल्ड वाइड हमारे इन प्रोडक्ट को इंजॉय कर रही हैं। इंडिया में ये कंपनी 2002 में इंट्रोड्यूस हुई थी
और आज इस कंपनी को 25 साल होने जा रहे हैं, अगस्त में 25th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की जा रही है, 25th एनिवर्सरी, जिसका प्लेटफॉर्म का इतिहास 25 साल पुराना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग बुनियाद है। अब बहुत से लोग ऐसा भी माइंड में आ जाता है कि वहां पे कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक आपका प्लेटफॉर्म सॉलिड नहीं होगा कुछ भी अच्छा आपको फील नहीं हो सकता। ये कंपनी इंडिया में 11 ऑफिस ओपन कर चुकी है, मोर देन 100+ फ्रेंचाइजी हैं, और बेस्ट ऑफ ऑल ये कंपनी IDSA में रजिस्टर्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ये एक इसके लीगल एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करवाता है कि कंपनी विल गोइंग टू स्टे। तो इसमें हम, ये एक समुंदर की तरह है, जितना पैसा आप चाहो उतना आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ पार्क है उसके अंदर हमारा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, उसके बाद टाइजी सन हॉस्पिटल है जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि ये मल्टी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंपनी है, इसके अपने होटल इंडस्ट्री भी है, ऑल लीजेंट के नाम से होटल है, एग्जीबिशन सेंटर है, बैंक्वेट सेंटर है, और कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम की अगर हम बात करें तो 8,000 लोग इस बिजनेस में, इस मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं, और इसमें 4 स्टूडियोज भी हैं, 4 40 40 सिनेमाज भी है इस उसके अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे आप हमारा R&D यूनिट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। ये जो R&D यूनिट है ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचते हैं वो 100% सेफ है और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं साइड में हमारी यूनिवर्सिटी है, टाइम्स यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी है, 3.2 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है, और आज अगर इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से हम देखें, हम अभी 2019 में गए थे पूरा विजिट करके आए, तकरीबन 40,000 स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन ले सकते हैं एट ए टाइम, इतनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी है। और नीचे आप देख रहे हो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम लोग एंटर कर चुके हैं, एक लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन नीस में जाकर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया था। यहाँ से 6,500 लोगों को, 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स को नीस में ले जाकर ये ब्रेक किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को। आप देखिए जो 6,500 लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से एक दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री में इकट्ठे हो रहे हैं, तो कितना एक्सपेंस आया होगा। इसके ऊपर बहुत सारी सोशल वीडियोस भी हैं, न्यूज भी हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का बेस कितना स्ट्रोंग है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, और अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर करना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म को देखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई कंपनी प्लेटफॉर्म नहीं दे पाती है तो आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर नहीं वहां रख सकते। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इस कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर ली जिन युआन, और मैं दिल से इनका थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप की कि लाखों लोग आज इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाकर और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे जो चेयरमैन का जो विजन है, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि थोड़ा वॉइस ब्रेक है रुपेश जी, कभी कभी अदरवाइज गुड है। मैं कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में बोलता हूं ताकि अगर ब्रेक भी हो रही है तो वो स्मूथ हो जाए। चलिए, हमारे जो चेयरमैन का विजन है वो विजन है, अवर विजन टू बी ए ग्लोबल लीडर द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, और मिशन है हमारा सर्विंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। आप समझ सकते हैं कि हेल्दी लाइफ होना कितना जरूरी है। आज की डेट में, लॉकडाउन में, हम ये चीज पता चलने शुरू हो चुकी है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंपनी उसी के ऊपर काम कर रही है, वेलनेस प्रोडक्ट के साथ है। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर है हमारी इस कंपनी का, और वी आर ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम लोग डायरेक्ट सेल में डील करते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि ये डायरेक्ट सेल होती क्या है, ये डायरेक्ट सेल वाले काम कैसे करते हैं, किस
किस तरीके से ये बोनस जनरेट करते हैं, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन भी है, लेकिन आज ये कंफ्यूजन भी दूर करने की कोशिश कर रहा करूंगा मैं कि डायरेक्ट सेल्स होती क्या है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस डायरेक्ट सेल्स है, आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है और हमारा जो डायरेक्ट सेल्स है वो क्या है। देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से जब बाय करते हैं तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को किसी ना किसी ने जरूर बनाया होगा, आप समझ सकते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो 10-20% से ज्यादा नहीं होती। कोई भी प्रोडक्ट, अगर हम पेप्सी, कैंपा कोला या बिस्लेरी की बोतल की भी बात करें, तो जब हम बिस्लेरी की बोतल भी लेते हैं तो 20 रुपए पे करके हम जब उस बोतल को लेते हैं, अगर हम उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जाएंगे तो उसका 10% या 20% ही होगा, 2 रुपए से 4 रुपए के बीच में ही ये 2 से 4 रुपए के बीच में ही ये आपको मिलती है, एक्चुअली बनती है, कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद कौन आता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर होलसेलर आता है, और होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, रिटेलर के बाद आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है, वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है। और कस्टमर को क्या बोला जाता है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो कस्टमर को बोला जाता है कस्ट से मर। कहने का मतलब, जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है और आप तक पहुंचने का जो एमआरपी प्राइस है, उसका सबका सब सब कुछ आपको ही पे करना पड़ता है, वेदर उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो, वेदर लॉजिस्टिक एक्सपेंस हो, वेदर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल और रिटेलर का मार्जिन हो, वो सब चीजें आपको ही बियर करनी पड़ती है। ये रियलिटी है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्ट सेल में। डायरेक्ट सेल में अदरवाइज अगर हम लेंगे तो डायरेक्ट सेल क्या है कि आपको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल रहा है और बीच का कोई भी चैनल नहीं है, और जो बीच के चैनल में बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता था वही पैसा आज आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेल, और वी आर इन टू डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, डायरेक्ट सेलिंग की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने आप को एंटर करना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए, माया जी कह रही हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है। माया जी, आप क्वेश्चन पुट इन कर सकती हैं, हम लोग चैट में देखते रहेंगे और आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे जब ये सेशन हम खत्म करेंगे। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम की, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए टाइम की एक बहुत ज्यादा उसमें एडिशनल जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, कैसे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं दिन में, और वो 24 घंटे में 8 घंटे ही काम कर सकता है और वो उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। अब टाइम की वैल्यू कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वो भी मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे टाइम आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दे सकते हैं, आप चाहे 2 घंटे देना चाहते हैं 2 घंटे दे सकते हैं, आप 1 दिन देना चाहे 1 दिन वीक में दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, कंपल्शन नहीं है। उसके बाद किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ना ही ऐसा जरूरी है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। बाय द टाइम ये एक साइकिल की उल्टी गरारी की तरह है, चलते चलते चलाते चलाते आप इसको सीखेंगे, ना कि सीखकर आप चला पाएंगे। अगर आपने साइकिल भी चलाना है तो साइकिल को बेडरूम में बैठकर आप चलाना नहीं सीख सकते, आपको साइकिल पे पैडल मारना पड़ेगा तभी आप चला पाएंगे। और ये भी बिजनेस ऐसा है कि जब आप बिजनेस में आते हैं तो इस बिजनेस में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो आपको नॉलेज और सब चीजें अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने पैसा लगाया ही नहीं तो रिस्क कहां से।
तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ साथ किसी जगह की जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। आज भी मैं इस बिजनेस को घर से बिल्ड कर रहा हूं, लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं हम जा सकते, फिर भी हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। सिर्फ ये माइंड सेट की बात है, आपको ये सोचना है कि हम घर बैठकर भी कैसे प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे परमिशन की भी आपको जरूरत नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है, क्योंकि आपने किसी को भी सैलरी पे हायर नहीं किया, किसी की भी आपको सैलरी नहीं देनी है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं आती है। तो ये हमारे इस बिजनेस में एंटर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स अच्छी लगी है तो मैं समझ सकता हूं कि हम आपस में हाथ मिलाकर इस बिजनेस में एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एक फैमिली बिजनेस है, हमारे ये जो बिजनेस है ये एक फैमिली बिजनेस है, क्योंकि हमारे जो वेलनेस के प्रोडक्ट है ये आपकी पूरी फैमिली यूज कर सकती है, पूरी फैमिली यूज कर सकती है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, और आपके मदर फादर हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी आर इनटू वेलनेस प्रोडक्ट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये एक लीगल कंपनी है, लीगल कंपनी, लीगल एस्पेक्ट देखें तो ऑलरेडी आईडीएस से डब्ल्यूएफडीएस से में रजिस्टर्ड है हम लोग, उसके साथ साथ कोशर रेटिंग, हलाल सर्टिफिकेशन, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन, आईएसओ 9001 9002, ये सारे सर्टिफिकेशन आज इस कंपनी को मिले हुए हैं, और जितने भी हमारे फूड सप्लीमेंट है आईएफएसएस से अप्रूव्ड है, उसका लाइसेंस नंबर मिला हुआ है। और मजे की बात, आप भी ऑथोराइज्ड हो इन प्रोडक्ट में डील करने के लिए, अगर आप जब हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हो, आपको आईडी कार्ड जब मिलता है तो उसके ऊपर भी एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर लिखा जाता है कि आप भी ऑथोराइज्ड हो, आप इसको प्रोडक्ट को किसी को भी मार्केट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे प्लस एडवांटेज है। और उसके बाद आज अगर हम इतना ग्रो कर चुके हैं, इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है, 190 कंट्रीज में बिजनेस को एक्सपेंड करना, 110 कंट्रीज में ऑफिसेस खोलना, और रेगुलर बेसिस पे हम अपने आप को इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका एक ही रीजन हो सकता है, वो जो हमारी बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है, इन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसमें से फूड सप्लीमेंट है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स है, एंड होम केयर और पर्सनल केयर सीरीज है। ये प्रोडक्ट सारे हैं जिनको हम यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को जानने से पहले, सबसे पहले जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है, हम उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फूड सप्लीमेंट है हमें क्यों चाहिए। आने वाला जो ट्रेंड है, अब उसी की बात करूं, आने वाला जो ट्रेंड है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। वेलनेस इंडस्ट्री ए मेगा ट्रेंड ऑफ फ्यूचर, और आप लोगों को जानकर ताजुब होगा, आने वाले समय में डॉक्टर भी सिर्फ न्यूट्रिशन से ही लोगों को ठीक करना शुरू करेंगे, मेडिसिन अफेक्टिव नहीं रह पाएंगी। आज भी अगर आप देख रहे हैं तो हमारी एंटीबॉडीज ही फाइट कर पा रही है कोरोना से, कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है अभी भी। तो आप समझ सकते हैं कि जितना हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, जितना हम अपने आप को इम्यून रखेंगे, उतना हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री, 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी है। और वेलनेस में कभी भी रिसेशन नहीं आता है। बहुत सारे बिजनेस डाउन हो सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस ग्राउंडेड हो सकते हैं, आपने देखा जेट एयरलाइंस ग्राउंड हो चुकी है, बहुत सारे और बिजनेसेस ग्राउंडेड हो चुके हैं, लेकिन वेलनेस में कभी भी आपका डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि वेलनेस आज हर एक घर की रिक्वायरमेंट है, हर किसी की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री में अगर आप अपने फ्यूचर को लेके जाते हैं तो आपका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है। और इसका अगर मार्केट साइज भी देखें तो 100% मार्केट शेयर है इसका, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पे जो अपने आप को हेल्दी ना रखना चाहे। तो आप मार्केट साइज भी देख सकते हैं कि 100% मार्केट शेयर है इसका। आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमें यह भी समझना जरूरी है कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, वेलनेस कंसेप्ट क्या है हेल्थ का। अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें तो WHO ये बोलता है कि अगर हम मेंटली, फिजिकली और सोशली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक हम अपने आप को हेल्दी नहीं मान सकते।
और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सर्वे के लिए जाए तो सर्वे ये बताता है, इससे दिखाता है कि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड में अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं, और उसके साथ साथ 15% वो लोग हैं जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं वो डिजीज कंडीशन में है। डिजीज कंडीशन का मतलब आप समझते हैं कि जिनका टेक केयर डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, कोई और अल्टरनेट नहीं है। और 80% वो लोग हैं जो सब हेल्थ में है। सब हेल्थ का मतलब आप समझते हैं, वो सब लोग क्रिटिकल लेवल बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज, ना तो हम पूरी तरह से फिट है और ना ही हम पूरी तरह से बीमार है। ये जो बीच का दायरा है ये सबसे बड़ा है। अब हमारे सप्लीमेंट किनको चाहिए? ये सबको चाहिए। हेल्दी लोगों को इसलिए चाहिए ताकि वो अपने आप को हेल्दी रख सके, बीमार लोगों को इसलिए चाहिए ताकि वो अपने आप को डिजीज फ्री कर सके, और जो लोग सब हेल्थ में है उनको इसलिए चाहिए ताकि वो बीमारी की तरफ ना बढ़ सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस वेलनेस कंसेप्ट में। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन और भी आता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम बिना सप्लीमेंट के अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? तो मेरा आंसर हमेशा यस में होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली चीज, आपको फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिजिकली एक्टिविटी हमेशा करते रहना पड़ेगा, और साथ में साउंड स्लीप। साउंड स्लीप एक ऐसी स्लीप जिस स्लीप के बारे में आपको पता भी ना हो कि आप कहां सो रहे हो। बिना स्ट्रेस के, बिना कल की टेंशन के अगर आप सो पाते हो तो आप अपने आप को 50% हेल्दी रख सकते हो। आज की डेट में हमारी बायो क्लॉक ही पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, हमारा सोने का टाइम ही नहीं है। बहुत से लोगों को रात की ड्यूटी करनी पड़ती है, उनका पूरा बायो क्लॉक बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये भी अपने टाइम के हिसाब से अपने काम को परफॉर्म करते हैं, और उनको वैसे ही कंडीशनिंग चाहिए, वैसा ही उसको स्टेटस चाहिए कि अगर हमें लाई डाउन स्टेटस में हमारे कुछ ऑर्गन काम करते तो वो उनको वही स्टेटस चाहिए, और हम लोग अगर उस टाइम एक्टिव रहेंगे तो वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अबव ऑल 50% तो इसका इफेक्ट है, और 50% इफेक्ट है आपका बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की डेट में क्या आप बैलेंस डाइट ले पा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? जितने भी सब्जियों को या दालों को हम लोग एक हेल्दी समझ के इंटेक भी कर रहे हैं, वही आज हमारा स्लो पॉइजन का कारण बन चुके हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो उसका थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे किसान भाई अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद जब फसल अच्छी हो जाती है उसको पेस्ट और इंसेक्ट से बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। अब जितना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये जहर धीरे धीरे हमारी सब्जियों में आता है, दालों में आता है, और जब हम उसको इंटेक करते हैं तो वो हमारे शरीर में आता है। इसका एक एग्जाम्पल पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं, पेपर में बैंगन के ऊपर, बैंगन सबसे ऊपर का जो देख रहे हैं, बैंगन में 0.48% पेस्टिसाइड स्प्रे करना अलाउड है, लेकिन 860 हो रहा है। तो कहीं भी आप देखिए कि मैच नहीं कर रहा है, तो बढ़ता बैंगन का नहीं बन रहा, हमारे शरीर का बन रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी टेक, मतलब केयर टेक होना पड़ेगा इन सब चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, वाटर भी पोल्यूटेड है और एयर भी पोल्यूटेड है, लेकिन थैंक्स टू लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से आज की डेट में हमारे जो इंडिया की नदियां हैं वो अच्छा पानी दे पा रही है, साफ पानी हो चुका है और पोल्यूशन भी कम हो चुका है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से ये चीजें हमें घेर लेंगी, फिर से हमें ये हेल्थ हजार्ड्स देना शुरू कर देंगी। तो ये सबसे बहुत बड़ा प्राइम कंसर्न है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको पेपर में कटिंग में मिल जाता है कि वेजी फुल ऑफ रिवर टॉक्सिन, डायबिटिक का कैपिटल बनता चला जा रहा है इंडिया, कीटनाशकों से कैंसर हो सकता है, पॉइजन इन योर ग्रीन्स, पोल्यूशन इज वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ रिस्क, मतलब कि अनाज और सब्जियों में शरीर में जा रहा है धीमा, मतलब हर एक तरह से आप फंसे हुए हो
सराउंडिंग्स में जो आपकी हेल्थ को स्टेक पे लेके चल रही है। अब हमारे पास एक कंपैरिजन है यहाँ पे, उस कंपैरिजन को मैं जरूर बताना चाहूंगा ताकि हम लोग अपने आप को कोरिलेट कर सके। अब एक गाड़ी है, जब भी आप कोई नई गाड़ी लेकर आते हो उसे अच्छे से रखते हो, उसको साफ भी करते हो और उसको फ्यूल चाहिए चलने के लिए, लेकिन अगर कोई गाड़ी पेट्रोल की होगी तो हम उसमें पेट्रोल डालकर ही चलाएंगे, ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी में हम डीजल डालकर चलाना शुरू कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं। तो गाड़ी को फ्यूल चाहिए, अगर हम गलत फ्यूल डाल देंगे तो क्या होगा, गाड़ी डैमेज होगी, गाड़ी डैमेज होगी तो हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। सिमिलर फैशन में ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, हमें एयर वाटर फूड प्योर फॉर्म में चाहिए, अगर हम अडल्ट्रेटेड डालते रहेंगे, गलत तरीके का सोर्स करते रहेंगे, फास्ट फूड इंटेक करते रहेंगे तो होगा क्या, हमारी बॉडी आर्टिफिशियल फूड डेफिशिएंट हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी, हम बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे और अग्रसर होने की वजह से उसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो है आज का, लेकिन वी हैव ए सोल्यूशन, आज हमारे पास सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है, वो है सोल्यूशन है TCM। TCM क्या है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, जो 5000 साल पुरानी हर्बल रेमेडीज हैं, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करके मार्केट में हमने उतारा है। ये हमारा बैकबोन है, ये प्रोडक्ट की भी हमारी बैकबोन है, जिसकी वजह से हम अपने आप को हेल्दी रख पा रहे हैं। अब ये जितने भी हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, जितने भी फूड सप्लीमेंट है, मैंने अभी आपको ये शेयर किया कि हमें ये क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें न्यूट्रिशन खाने से नहीं मिल पा रहा तो हमें इसको सोर्स करना पड़ेगा। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे सारे वो न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है, डेली बेसिस पे रोज की रोज जरूरी है। जब आप इनको फीड करना शुरू करोगे अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अपरिच होगी, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको उन सारी चीजों से लड़ने का, फाइट करने का एक बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे आपको कोई भी वायरस से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, तो कोई भी वायरस का मुकाबला बॉडी खुद ब खुद कर पाएगी। और ये सप्लीमेंट सारे के सारे चार चीजों के ऊपर काम करते हैं, क्लेंजिंग के ऊपर काम करते हैं, बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं, स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करते हैं, प्रिवेंटिंग मेजर के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले आपके शरीर में से गंदगी को बाहर निकालेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, फिर आपको ताकत देंगे और फिर उसको रोकथाम, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि किसी भी वायरस के अटैक से अपने आप को प्रिवेंट करके रखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। एक प्रोडक्ट की मैं एक बहुत लिटिल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सेशन रहते हैं, पूनम मैम भी सेशन देती है प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल है हेल्थोपिया का, उस पे भी जाकर आप इन प्रोडक्ट की डिटेल्ड फीचर्स आप देख सकते हैं। बहुत सारे और सोर्सेज हैं जहां से आप इन प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। तो ओवरव्यू देखते हैं, हार्ट एंड ब्रेन के लिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है ओमेगा लाइफ और कोएंजाइम Q10, जिसे हम कहते हैं ये हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डायबिटिक केयर, डायबिटिक आपको मालूम है कि इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल जो डायबिटिक में, हर दूसरे घर में आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाता है। डायबिटिक के लिए हमारे पास डायबिटिक प्रोटीन पाउडर है, जिम्नेमा है, जिंक है, और ये सोर्स है जो आपके डायबिटिक को रिवर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये डायबिटिक केयर के ऊपर हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास फिर अगेन प्रोडक्ट है हाई फाइबर है, जो आपकी कॉलन को, आपकी आंत्रियों को साफ करने में हेल्प आउट करेगा। चिटोसन आपकी लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प आउट करेगा। ओपीसी आपका ब्लड प्योरिफायर है, आपके ब्लड में से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा। और एफएस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, जिन लोगों को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आधी प्रॉब्लम पेट से होती है, तो ये एफओएस पाउडर उन सब चीजों के ऊपर वर्कआउट करेगा। उसके बाद किड्स ग्रोथ के लिए, बच्चों को हेल्दी एटमोसफियर देने के लिए, उनका ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, हाइट की डेवलपमेंट के लिए, वी हैव प्रोकिड एंड जिंग। ये दो एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जो आपको इस बिजनेस में, आपको आपके बच्चों को एक हेल्दी एटमोसफियर देंगे, फिजिकल भी और मेंटली भी। उसके बाद अगर हम देखेंगे बोन्स और मसल हेल्थ के लिए, हमारे पास अडल्ट प्रोटीन है,
कैल्शियम बिस्किट, प्रोटीन बिस्किट है और मल्टी विटामिन है। मल्टी विटामिन डेली एक टेबलेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब उनको विटामिन और मिनरल का कॉम्बिनेशन आप प्रोवाइड करते हैं। आउटसोर्स से, खाने की सोर्स से आज हमें नहीं मिल पा रहा, इसलिए ये डेली लेना जरूरी है। उसके बाद एंटी एजिंग के लिए हमारे पास टी पॉली है और स्पिरुलिना है। जिन जो लोग अपनी एज को थामना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम यंग ही दिखें, तो उनको ये प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। ये इवन की स्पिरुलिना फेशियल के काम भी आता है, आप अपनी स्किन को बड़े अच्छे से ग्लो करवा सकते हो अगर आप स्पिरुलिना का फेशियल भी करते हैं। वुमेन हेल्थ के लिए हमारे पास ओपीसी प्लस कैप्सूल है, जो गायनी प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करती है। एफी प्लस, जो आपके आयरन है, जो आपके ब्लड की कमी को पूरा करने में हेल्प करती है। अगेन मल्टीविटामिन आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथन, बॉडी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट करता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी वुमेन हेल्थ को प्रोवाइड करती है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी है आज की डेट में। हम घर में लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी तो हम उसका भी मुकाबला कर पाएंगे। और ये हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है कॉर्डिसेप, जो कमिंग अप है विद वेरी शॉर्टली आपको ये सेल्फ के ऊपर मिल जाएगा। टी पॉली एंटी ऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिंक अगेन आपकी बॉडी को रिबूस्ट करता है। तो ये हमारे इम्यूनिटी के हैं। फिर है ब्लड सर्कुलेशन। देखिए सर्कुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर बॉडी में सर्कुलेशन नहीं होगी तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक आपकी जो न्यूट्रिशन इनटेक भी कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। बीसीएम, जिसे मिनी हॉस्पिटल भी कहते हैं, अगर आप 15 मिनट इस मशीन के ऊपर खड़े रहते हैं तो वो 5 किलोमीटर की जॉगिंग के इक्विवेलेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 5 किलोमीटर की जॉगिंग करते हैं तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन किस लेवल तक पहुंच जाता है। उसके साथ साथ हमारे पास ब्रेसलेट है जो आपको रेगुलर हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलेशन में एनहेंस करने में हेल्प आउट करते हैं, आपके स्टेमिना को मेंटेन करके रखते हैं। फिर ज्वाइंट नेकलेस है जो आपके हार्ट को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर है जो माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल और बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। और बॉडी पेन वेन्स हो तो वहां पे भी आप इस मल्टीफंक्शनल हेल्थ केयर को यूज कर सकते हैं। फिर म्यूजिक एंड स्लीप थेरेपी के हमारे पास प्रोडक्ट है, हेल्थ मैट्रेस है, म्यूजिक बैंड है, म्यूजिक कुशन है, जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। अभी मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं, लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं, जिनके काम के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो लोग ऑलरेडी, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे कि कुछ भी और करने के लिए, जो जिनको लॉसेस भुगतने पड़ रहे हैं वो भी डिप्रेशन में जा चुके हैं। लेकिन ये सारी थेरेपीज उनको उनसे डिप्रेशन से निकालने में भी हेल्प करेगी और एक बिजनेस ऑप्शन भी उनको मिलेगा। उसके बाद एयर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, जितने भी हम वेजिटेबल्स इनटेक करते हैं उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में वापस लाने के लिए आज हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट हैं। एयर प्योरीफायर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है, उसके बाद फ्रिज, मल्टीफंक्शनल फ्रिज प्योरीफायर है, जो आपके फ्रिज में रखी सब्जियों को भी, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को खत्म करने में हेल्प आउट करता है। तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारे। और उसके साथ साथ हमारे पास एक्वालाइट भी है और हाइपर एच कप भी है। आपने विराट कोहली का नाम तो सुना होगा, विराट कोहली हाइड्रोजनेटेड पानी पीते हैं, हाइड्रोजन वाला ही वाटर पीते हैं, और वो बॉटल तकरीबन 2500-2600 रुपए की एक कॉस्ट करती है। और हमारे ये हाइपर एच कप आपके उस पानी को हाइड्रोजनेटेड बनाकर देता है विद इन 5 to 10 minutes, और आप उसको विद इन 2 hours कंज्यूम करना होता है, और इससे आपकी बॉडी की एफिकेसी 20 to 50% तक बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं आज हमारे पास, और ये इक्विपमेंट्स हैं जिससे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। फिर आती है पर्सनल केयर, होम केयर सीरीज। होम केयर में हमारे पास डिश वॉश है, आमला नीम हेयर ऑयल है, नाना हैंड वॉश है, हैंडमेड सोप है, टूथपेस्ट है, नहाने के साबुन है, शैम्पू है, शैम्पू प्लस कंडीशनर, और लेडीज के लिए सैनिटरी नैपकिन है। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे घर में यूज करते हैं।
और एक चीज मैं श्योर करना चाहूंगा, अगर हम इन प्रोडक्ट को सिर्फ अपने इस प्लेटफॉर्म से बाय करके यूज करते हैं और लोगों को रिकमेंड करके लोगों को भी यूज करवाते हैं, तो उसी से आप इतनी अर्निंग कर जाओगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। सिर्फ माइंडसेट की बात है, आपको सोचने की बात है कि किस तरीके से हम इस बिजनेस में बिल्ड कर सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते हुए, लोगों को शेयर करना और यूज करना है, वो भी आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारा जो है लेडीज के लिए, सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन के बारे में मैं 2 मिनट के लिए जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद 20 से 25 मिनट का सेशन और है, और फिर आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है, बहुत बढ़िया न्यूज मिलने वाली है जो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले, किसी भी लेवल तक ले जाएगा। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहना और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो वाक्य में आपको बहुत खुश करने वाली है इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। सैनिटरी नैपकिन की बात करें तो 80% फीमेल को वर्ल्ड वाइड गायनी प्रॉब्लम होती है, ये WHO की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिनमें से 75% गायनी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू यूज ऑफ बैड क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन और इम्प्रॉपर केयर ड्यूरिंग मेंसुरेशन, मतलब कि मेंसुरेशन के टाइम में ठीक ढंग से रख रखाव ना रखने की वजह से यह प्रॉब्लम अक्कर आती है। और ये प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, स्टरिलिटी, विजिनिटी, ट्यूमर, यूट्रिन कैंसर, सर्विक कैंसर, थायराइडिक फाइब्रॉइड, लिक्वेरिया, वाइट डिस्चार्ज, नेम द प्रॉब्लम, दिस विल ऑल हैपन ड्यू टू यूज ऑफ बैड क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन। आप लोगों को जानकर ताजुब होगा, WHO की रिपोर्ट ये भी बताती है हर 7 मिनट में एक लेडी की डेथ हो रही है सर्विक कैंसर की वजह से, और हर 4 मिनट में एक लेडी अफेक्टेड हो रही है इसी वजह से। और आप, हम सब लोग इन सब चीजों से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उनकी एक आदत को बदलना है, एक छोटी सी आदत को बदलना है, कोई भी नॉर्मल नैपकिन की बजाय उनको एरिस सैनिटरी नैपकिन के ऊपर लेकर आना है। इतना करने से आप देखेंगे रिमार्केबल चेंजेस आप देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे सैनिटरी नैपकिन है एनहेंसिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंटी इंफ्लामेशन पे काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ईजिंग प्रेशर, एलिमिनेटिंग फटीग, पट्टी थकावट महसूस नहीं होने देते, और जो गंदी ऑर्डर आती है उसको भी रोकने में काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने में हेल्प आउट करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट वी आर हैविंग, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की रिक्वायरमेंट है, हर घर की, एवरी होम इज रिक्वायर्ड, और हर महीने की रिक्वायरमेंट है। इस एक प्रोडक्ट से आप अपने बिजनेस को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारी लेडीज इस बिजनेस में ऐसी हैं जो इस बिजनेस को बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, बहुत अच्छे से अर्न कर रही हैं, और लोगों को हेल्थ दे रही हैं, और लोगों से दुआएं भी ले रही हैं। तो ये हमारा एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद देखते हैं, प्रिवेंशन इज मोस्ट इकोनॉमिकल देन डिजीज। देखिए, ये एक फंडामेंटल है, हम लोग बीमार ना पड़े उसी में समझदारी है। अगर बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत भारी पड़ने वाला है, आपको 2-2, 3-3, 5-5 लाख का बिल कब बन जाता है आपको भी नहीं पता चलता। तो इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ यही कहती है कि प्रिवेंशन के ऊपर जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आप लाइफ को जी पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद जो भी आप जीना चाहते हो वो भी आप उस ढंग से नहीं जी पाते, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स आपके सामने रहते हैं कि ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, ये नहीं ले सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने आ जाती है आफ्टर सर्जरी। तो अगर आप उन सब चीजों से बचना चाहते हो तो आज से फूड सप्लीमेंट को कंज्यूम करना शुरू करो, और कंज्यूम करेंगे तो देन यू विल बी फाइन, प्रिवेंशन इज मोस्ट इकोनॉमिकल देन डिजीज। आगे बढ़ते हैं, कुछ टेस्टिमनीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये शख्स है, इनका स्किन बर्न हो गया था, और स्किन बर्न होने के बाद इन्होंने ओपीसी लिया, टी पोली लिया, जिंक लिया, साथ में एलमेंट जो हमारा हेयर ऑयल आया था उसको अप्लाई किया, उसके बाद इनका पूरा चेहरा दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद पिंपल्स और एकन्स के लिए, ये इनको पिंपल्स और एकन्स है, इनका भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्किन क्लियर नहीं थी, उसके लिए ओपीसी ब्लड प्योरीफाई की वजह से स्किन और पे जो पिंपल्स एकन्स जो आने थे वो नहीं आए, और उसके बाद टी पॉली और स्पिरुलिना का वो लेप लगाने से उससे इनको पूरी तरह से वो मिला। फिर हमारे पास वेट मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको फैट को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं, जिसमें BCM है, हमारा चिटोसन है, हाई फाइबर है, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके वेट मैनेज को करने में हेल्प आउट करते हैं। शीला दीक्षित जी का सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं, हमारी जो सुपर अपलाइन थी खुशी स्कारलेट, इन्होंने दिया है।
और उसके बाद ये हमारे फर्स्ट डायरेक्टर है। जब इन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था तो इनका 1992 के करीब इनका वेट था, और अब अगर आप देखेंगे तो इनका वेट बहुत कम हो चुका है सारे इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करते हुए, और ये दिन बर दिन यंग होते चले जा रहे हैं। जब आप मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने एज को थाम लिया है, पकड़ लिया है, अपने आप को ग्रो मतलब कि वो एजिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो ये सारी चीजें हो पा रही हैं सिर्फ सप्लीमेंट के यूज से, बीसीएम और सर्कुलेशन जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके यूज करने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्रीमर कैन थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर। अब जो सेशन शुरू होने जा रहा है आधे घंटे का बड़ा क्रिस्प सेशन है, आपको यह समझ आ जाएगा कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए,